हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे स्मार्टफोन से बच्चों के आईक्यू पर असर पड़ रहा है। जी हाँ, हम सबको पता है कि स्मार्टफोन जो हमारे कामों को बेहद आसान बना दिया है और यह टेक्नोलॉजी फील्ड में एक क्रांतिकारी खोज है, पर यह स्मार्टफोन कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग पे बहुत बुरा असर डाल रहा है। दोस्तों आइए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों अमेरिकी शोधकर्ता के अनुसार समय से पूर्व जन्मे शिशु की याददाश्त के लिए यह ज्यादा नुकसानदेह है। बच्चों के बीच टेक्नोलॉजी उपकरणों के इस्तेमाल की आदत एक लत में तब्दील होती जा रही है। हालिया अध्ययन में दावा किया गया है कि इससे बच्चों का आईक्यू स्तर प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही निष्कर्षों में पाया गया कि समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के लिए यह अधिक नुकसानदेह साबित हो सकता है। इससे बच्चों की याददाश्त पर असर होने की संभावना व्यक्त की गई है। अध्ययन की माने तो 6 और 7 साल के आयु के बच्चों जो गर्भावस्था के 28वें सप्ताह से पहले पैदा हुए हैं और दिन में 2 घंटे से अधिक समय मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर बिताते हैं तो उनका आईक्यू स्तर कम हो सकता है। साथ ही उनमें आवेग नियंत्रण, ध्यान और समस्या समाधान कौशल में कमी होने की संभावना अधिक होती है। ध्यान केंद्रित करने में समस्या। यह अध्ययन राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान द्वारा वित्त पोषित है। अध्ययन के दौरान पाया गया कि जिन बच्चों के बेडरूम में टेलीविजन या कंप्यूटर था उनमें ध्यान केंद्रित करने में समस्या की संभावना ज्यादा थी। शोधकर्ताओं के निष्कर्ष बताते हैं कि अधिक समय तक स्क्रीन टाइम सामान्य और समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों की याददाश्त के लिए नुकसानदेह हो सकता है और यह ऐसे बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याएं बढ़ा सकती है। बच्चों के कमरे में टीवी कंप्यूटर रखना ठीक नहीं। शोधकर्ताओं ने कहा कि निष्कर्ष के आधार पर चिकित्सकों की समय पूर्व जन्म लेने वाले बच्चों और उनके परिवारों के साथ स्क्रीन समय में संभावित प्रभावों पर चर्चा करने की आवश्यकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार 2 घंटे से ज्यादा रोजाना फोन स्क्रीन पर बिताने वाले बच्चे ज्यादा जोखिम में पड़ जाते हैं। इस अध्ययन में 6 और 7 साल की आयु के बच्चों में स्मार्टफोन की लत के प्रभाव का आकलन किया गया है। यह अध्ययन परिणामों को जामा पीडियाट्रिक जर्नल में प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन में 28 सप्ताह या उससे पहले पैदा होने वाले बच्चों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इसमें 414 बच्चों में से 238 बच्चे ऐसे थे जिनका प्रतिदिन स्क्रीन समय 2 घंटों से अधिक था और 266 बच्चे ऐसे थे जिनके बेडरूम में टीवी या कंप्यूटर था। प्रतिदिन कम स्क्रीन समय वाले बच्चों की तुलना में रोजाना स्क्रीन पर अधिक समय बिताने वाले बच्चों से की गई। अधिक वक्त बिताने वाले बच्चों ने वैश्विक कार्यकारी फंक्शन परसेंटाइल स्कोर में लगभग 8 अंकों की औसत कमी हासिल की। आवेग नियंत्रण पर लगभग 0.8 अंक कम रहे और असावधानी पर 3 अंक अधिक रहे। तो दोस्तों थोड़ा सावधानी बचा के रखें और अपने बच्चों को स्मार्टफोन से थोड़ा दूरी बना के रखने की ज़रूरत है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।